हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने दांतों को वाइट बना सकते हैं। गाइस, गुटखा खाने की वजह से या फिर स्मोक करने की वजह से या फिर लंबे समय तक कंटिन्यू ब्रश ना करने की वजह से आपके दांत पीले, लाल या काले हो जाते हैं, जिससे गाइस आपकी स्माइल बहुत ही बुरी हो जाती है। जब भी आप स्माइल करते हैं तो आपका फेस देखने में बहुत ही गंदा दिखाई देता है और इससे आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसा नुस्खा बनाने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से मात्र 2 बार में ही आप अपने गंदे से गंदे दांतों को, चाहे वो लाल हों, काले हों या पीले पड़ गए हों, को 1 बार में या 2 बार में ही बिल्कुल ही वाइट बना पाएंगे। इससे गाइस आपकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपकी पर्सनैलिटी इससे बहुत ही अच्छी दिखाई देने लगेगी। जब भी आप हंसेंगे तो आपकी स्माइल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी, जो गाइस लाल और काले दांत होने के कारण बहुत ही गंदी दिखाई देती है। सो गाइस, बने रहिए इस वीडियो में, हम आपके लिए नुस्खा बनाने वाले हैं। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो गाइस, चलिए बनाते हैं आपके लिए नुस्खा और आपको बताते हैं कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है। गाइज, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ इस्तेमाल में लानी है, जिसमें सबसे पहली है गाइज काली मिर्च। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं काली मिर्च, आपको करना है कि आपको 7 से 8 दाने काली मिर्च के लेने हैं और उसको किसी भी तरीके से फोड़कर उसको चूरा कर लेना है। गाइज, मैं इसको कूट लेता हूँ कुछ इस तरीके से, इसके अंदर मैंने इसका डाल लिया है और मैं इसको अच्छे तरीके से इसका चूरा कर लेता हूँ। ये देखिए गाइज, मैंने काली मिर्च को कूट कर उसको पाउडर फॉर्म में बदल लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको भी कुछ उस तरीके से, किसी भी तरीके से उनको फोड़ लेना है या फिर किसी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर उसको अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म में बना लेना है। उसके बाद आपको इस कटोरी में इसको ले लेना है। उसके बाद गाइज, आपको दूसरी चीज़ जो चाहिए वह है गाइज कोलगेट। जो भी आप पेस्ट यूज़ करते हैं आप उसे ही इस्तेमाल कीजिए, आपको चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको करने हैं कि जितना पेस्ट अपनी कोलगेट पर इस्तेमाल करते हैं उतना आपको इसमें ले लेना है। ये देखिए गाइज, मैंने ले लिया है। गाइज, 2 चीज़ हमने इसके अंदर ऐड कर ली है। तीसरी चीज़ जो हमें इसके अंदर ऐड करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नुस्खे को कंप्लीट करने के लिए, जो है गाइज बेकिंग सोडा। जैसे कि आप जानते हैं, आपको करना ये है कि इतना बेकिंग सोडा आपको इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये देखिए गाइज, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग सोडा आपको इसके अंदर ऐड करना है। ये गाइज, मैंने इसे भी ऐड कर लिया है। गाइज, अब चौथी और लास्ट चीज़ जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वो है गाइज नींबू का रस। आपको करना ये है कि 1/2 चम्मच के बराबर नींबू का रस इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये देखिए गाइज, ये गाइज 1/2 नींबू का रस मैंने इसके अंदर ले लिया है 1/2 चम्मच के बराबर, और इसे इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। अब गाइज, आपका नुस्खा बनकर लगभग तैयार हो गया है, बस आपको इसे मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, जिसे आप अपने दांतों पर अप्लाई करके एक बार में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देख पाएँ। गाइज, बनने के बाद कम से कम 5 मिनट तक आपको इसको रखा रहने दें ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ और ये आपके दांतों पर 100% वर्क कर पाएँ। ये देखिए गाइज, अब आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। अब गाइज, आपको इसको अपने दांतों पर अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, ये भी बहुत इजी है। आपको करना ये है कि आपको एक ब्रश ले लेना है, जैसे कि मैंने ले रखा है। गाइज, आपको करना ये है कि आपको इसको इसके अंदर डिप करके, जिस तरीके से आप डेली रूटीन में मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, आपको कंटिन्यू ब्रश करना है। 1 से 2 मिनट तक आपको ब्रश करना है। आप देखेंगे कि एक बार के अंदर अंदर आपके दांत जो लाल हो गए थे गुटखा खाने की वजह से, या फिर काले हो गए थे सिगरेट पीने की वजह से, या फिर लंबे समय तक ब्रश न करने की वजह से पीले हो गए थे, एक बार में ही 100% सफ़ेद हो जाएंगे। और गाइज, आपको इस नुस्खे को सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना है। और गाइज, जब भी आप इसे ब्रश करें तो आपको सिर्फ 2 मिनट तक ही इसे इस्तेमाल करना है, 2 मिनट से ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। गाइज, इसके अंदर हमने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है, जो आपके दांतों के ऊपर से किसी भी तरीके की गंदगी को रिमूव करता है और आपके दांतों को चमकदार बनाता है। सो गाइज, अगर आप भी अपने दांतों की प्रॉब्लम से परेशान हैं, अपने दांतों के गंदे होने से परेशान हैं, तो आप इसे इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये 100% आपके दांतों पर वर्क करेगा, बहुत ही नेचुरल नुस्खा है, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी बॉडी पर वर्क करेगा और आपके दांतों को बिल्कुल सफ़ेद बना देगा मोतियों की तरह। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।